रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स पीरियड। फर्स्ट रिसाइट दुआ विद मी। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ओ माई लॉर्ड इंक्रीज माई नॉलेज। बेटा ओपन योर बुक, पेज नंबर 40। वी आर ऑन पेज नंबर 40 बेचे। द हेडिंग इज कॉमन मल्टीपल। राइट हियर बेटे डेज एंड डे कॉमन मल्टीपल। सी बेटा, दीज आर मल्टीपल्स ऑफ टू। मल्टीपल्स ऑफ टू का मतलब क्या है? वो नंबर्स जो टू के टेबल्स में आते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ओके। एंड मल्टीपल्स ऑफ थ्री, मल्टीपल्स ऑफ थ्री दोज नंबर्स विच कम इन टेबल ऑफ थ्री, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ओके। अब बेटा आप देखें कि इन दोनों में कॉमन कौन से आ रहे हैं। 6 कॉमन है दोनों में, 12 कॉमन है, 18 कॉमन है। तो वो नंबर्स जो दोनों में कॉमन हों वो क्या कहलाते हैं? कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है, कॉमन मल्टीपल्स। नाउ बेटा कम टू पेज नंबर 42। ऑन पेज नंबर 42 द हेडिंग इज LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। राइट डेट ओवर हियर। अगेन बेटा वी हैव रिटन मल्टीपल्स ऑफ 6। 6 के मल्टीपल्स हमने लिखे, यानी 6 का टेबल 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60। एंड मल्टीपल्स ऑफ 8 लिखे हमने, यानी 8 का टेबल 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80। अब हमने क्या निकाला बेटे इनमें से? जो कॉमन मल्टीपल्स हैं कौन से निकले हमारे पास? 24 एंड 48। तो हमने क्या लिखा? कॉमन मल्टीपल्स 24 एंड 48। अच्छा अब हमें चाहिए क्या बेटे? LCM। LCM क्या है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब कॉमन मल्टीपल्स तो हैं लेकिन इनमें लोवेस्ट कौन सा है, छोटा कौन सा है, लीस्ट कौन सा है? तो वो कौन सा है 24 और 48 में से? 24। तो इसका मतलब क्या हुआ कि LCM इन दो नंबर्स का क्या आ गया? 24। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं बेटे। हमें LCM मालूम करना है 2, 3 एंड 4 का। हमने मल्टीपल्स ऑफ टू लिखे बेटे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। फिर हमने 3 के मल्टीपल्स लिखे बेटे, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। देन वी हैव रिटन मल्टीपल्स ऑफ 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। ठीक है, तीन नंबर्स हमें दिए गए थे, तीनों के मल्टीपल्स हमने लिख लिए। अब हम इसमें से क्या फाइंड आउट करेंगे? कॉमन। एक तो 12 कॉमन आ रहा है, दूसरे 24 कॉमन आ रहा है। तो हमने लिखा कॉमन मल्टीपल्स 12 एंड 24। अब हमें मालूम क्या करना है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जो छोटा कॉमन मल्टीपल है दोनों में से, वो क्या हो गया? 12 या 24? 12। तो हमने लिख दिया LCM ऑफ 2, 3 एंड 4 इज 12। ओके बेटा, क्लियर? बेटा कम टू पेज नंबर 44। दिस इज द पेज नंबर 44 बेटे। राइट टूडेज डेट एंड डे ओवर हियर एज वेल। नाउ हियर द एग्जाम्पल इज फाइंड द LCM ऑफ 48 एंड 45। यहाँ हमको 48 और 45 का LCM मालूम करना है, लेकिन यहाँ पर हमने किस तरीके से मालूम किया है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इसके हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं और फिर हमने LCM मालूम किया है। 48 के प्राइम फैक्टर्स आपको पता है कैसे निकलते हैं? 48 इवन नंबर है तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 2s are 4, 2 4s are 8। अगेन हमारे पास इवन नंबर आया, देन वी विल से विद द 2 टेबल, 2 1s 2, 2 2s 4, देन 2 6s 12, 2 3s 6 और लास्ट में आ गया 3 1s 3। 45 के भी बेटे ऐसे निकाल लिए हमने, 45 है तो हम 3 से किया, 3 1s 3, 1 बचा यहाँ, 15 हो गया, 3 5s 15, देन 3 5s 15 एंड 5 1s 5। फिर हमने यहाँ पर लिख लिए बेटे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48। हमारे पास 48 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं? 2 2 2, 2 3, 2 2 2, 2 3। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45 कौन से आ रहे हैं हमारे? 3, 3, 5। अब इन दोनों में से कॉमन कौन सा आ गया बेटे हमारे पास? 3। ठीक है, अच्छा अब हम इसको बेटे LCM हम इसका कैसे निकालेंगे? जो सारे प्राइम फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो कॉमन आया है उसको सिर्फ एक दफ़ा लेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है? 2, 2, 2, 2। यहाँ हमने लिख दिया 2, 2, 2, 2। यहाँ पर क्या है? 3 और 5, 3 और 5। लेकिन जो 3 कॉमन आ रहा है उसको दो दफ़ा के बजाय हमने सिर्फ एक दफ़ा लिखा, और फिर इन सबको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 720। तो 48 एंड 45 का LCM क्या आ गया है? 720। ओके नाउ बेटा द नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द LCM ऑफ 30, 54 एंड 72। 30, 54 एंड 72 इसको भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया है।
30 भी इवन नंबर है, 2 से किया हमने, 2 वन ज़ा 2, 1 बच गया, ये 10 हो गया, 2 फाइव ज़ा 10, फिर हमने 3 से किया, 3 फाइव ज़ा 15 एंड देन 5 वन ज़ा 5। 54 के क्या हो गए बेटे, 2 वन ज़ा 2, यहाँ पे 1 लगाया, 14, 2 सेवन ज़ा 14, देन 3 नाइन 27, 3 थ्री ज़ा 9, 3 वन ज़ा 3। देन 72 बेटे इवन नंबर है, 2 से किया हमने, 2 थ्री ज़ा 6, 1 यहाँ पे लगाया, 12, 2 सिक्स ज़ा 12, 2 वन ज़ा 2, 1 यहाँ लगाया, 16, 2 एट ज़ा 16, 2 नाइन ज़ा 18, 3 थ्री ज़ा 9, 3 वन ज़ा 3। फिर हमने यहाँ पर इनके प्राइम फैक्टर्स लिख लिए, 30 के क्या हैं हमारे पास 2, 3, 5, 54 के क्या हैं हमारे पास 2, 3, 3, 3 एंड 72 के क्या हैं हमारे पास 2, 2, 2, 3, 3। ठीक है बेटे, अब इनमें जो कॉमन आ रहा है उनको हमने सर्कल कर लिया, 2 कॉमन आ रहा है और 3 कॉमन आ रहा है। जब हमने एलसीएम निकाला तो इस 2 को एक ही दफ़ा लिखा, इस 3 को एक ही दफ़ा लिखा और बाकी सारे इसमें यहाँ पर लिखे हमने फैक्टर्स और सबको मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आ गया 3240। ठीक है बेटे, नाउ कम टू पेज नंबर 46। ऑन पेज नंबर 46 बेटे देयर इज़ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज पेयर्स ऑफ नंबर्स यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड। इनके आपको बेटे मालूम करने हैं एलसीएम, लेकिन कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पार्ट ए इसका कर देखते हैं हम, 18 एंड 24। ठीक है बेटे, 18 और 24 का हमने इस तरीके से बना लिया। अब हम टेबल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 18 है आपको पता है एवन नंबर है, किससे स्टार्ट करेंगे हम, 2 से, 2 नाइन ज़ार 18, देन 3 थ्री ज़ार 9 एंड 3 वन ज़ार 3। ओके, 24 भी एवन नंबर है, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 वन ज़ार 2, 2 टू ज़ार 4, देन 2 सिक्स आर 12, देन 2 थ्री ज़ार 6 एंड 3 वन ज़ार 3। ठीक है, अब यहाँ लिख लेंगे इसके फैक्टर्स। ठीक है बेटे, 18 के क्या हैं 2, 3, 3, 24 के क्या हैं 2, 2, 2 और 3, 2, 2, 2 और 3। अब इसमें जो कॉमन है उसको सर्कल कर लीजिए लाइक दिस। अच्छा, अब इस जो कॉमन आ रहा है बेटे उसको एक दफ़ा लिखा हमने, 2 हमने एक दफ़ा लिखा, 3 हमने एक दफ़ा लिखा और बाकी हमने फैक्टर्स लिख दिए 3, 2, 2। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, जी द आंसर इज 72। तो एलसीएम क्या आ गया 18 और 24 का, 72। ठीक है बेटे, समझ में आया। 18 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया, फिर 24 के किए, फिर दोनों के हमने फैक्टर्स लिखे, फिर जो कॉमन है उनको हमने सर्कल किया, उन कॉमन को एक एक दफ़ा लिया और बाकी सारे फैक्टर्स को लिया और सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारे पास एलसीएम आ गया। राइट, नाउ यू हैव टू डू बेटे पार्ट ए बी एंड डी। ओके, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।